नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर के द्वारा पिछले दिनों यूडी टैक्स की वसूली के लिए नोटिसेज दिए जा रहे हैं, जिनमें देखने में आ रहा है कि जिस फर्म को ठेका दिया गया है वो फर्म वैसे भी पहले भी विवादों में रही है और अब वो गलत गणना करके लाखों रुपए के नोटिस जो है वो आम जनता को दिए जा रहे हैं। और उनकी गणना जैसे हम खास तौर से परकोटे में देखते हैं तो नीचे दुकान और ऊपर मकान का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमेशा से ही है, लेकिन पूरे ही मकान को कॉमर्शियल मानते हुए गलत तरीके से गणना करके लोगों को लाखों रुपए के नोटिसेस दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ फोन करके उनको धमकाया भी जा रहा है कि अगर आपने नहीं जमा कराए इनको तो कुर्की कर दी जाएगी। तो इसी संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें ये जानकारी दी है कि आपके द्वारा लगातार जो राहत दी जा रही है आम जनता को, उसके विरुद्ध जो नगर निगम है वो मनमाने तरीके से यूडी टैक्स की वसूली का काम जो है वो कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इसी के साथ साथ हेरिटेज में न तो कमेटियां बनी हैं और न साधारण सभा की बैठक जो है वो दोनों ही बोर्डों में बुलाई जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता की भावना, आम जनता की परेशानियां जो हैं वो सामने नहीं आ पा रही हैं। उसका लगातार खामियाजाना जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है, जनता के काम पूरे ढंग से नहीं हो पा रहे और इसी बात का परिणाम है कि इस समय अगर हम देखते हैं तो सफाई व्यवस्था भी बदहाल है, आवारा पशु सड़क पे घूमते हुए निकलते हैं और अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आ गई है। तो इसी संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि उनके दिए गए राहत के कामों से जहां एक तरफ जनता बहुत खुश है, लेकिन नगर निगम की इस कार्यप्रणाली से इस चुनावी वर्ष में इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो इस बारे में तुरंत प्रभाव से वो कार्रवाई करें जिससे कि जनता को राहत मिल सके और मनमाने यूडी टैक्स की वसूली को रोका जा सके।